नो माहिशा, आओ चलो कम, मेरा बच्चा देखो गुस्सा देखना इसका, आओ देखो दादी बुला रही, नहीं चलो आओ दादी बुला रही, देखो दादी खाना खा रही, देखो दादी खाना खा रही है, चलो बुला रही हूँ, चलो माहिशा इसमें चोट लग जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं जब भी कहीं जाना होता है तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है मैं क्या पहनूँ, और इस चक्कर में लेट हमेशा होता है, तो अभी भी मुझे कन्फ्यूजन है मैं कल आज क्या पहनूँ, कल नहीं आज ऑब्वियसली। तो वैसे मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है जो मैंने ज़ारा से ऑर्डर की थी, और मैंने ज़ारा से हील्स भी ऑर्डर करी है, जो मैंने अभी तक खोली भी नहीं है कि वो कैसे रिसीव हुई है, साइज़ परफेक्ट है या नहीं, पर ड्रेस मैंने ट्राई कर लिया था क्योंकि मुझे रिटर्न है, वो मैंने ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किया ज़ारा के, ठीक है, और बहुत ही खुश थी मैं क्योंकि दो दिन के अंदर डिलीवरी हो गई, नॉट बैड। वैसे यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है ज़ारा का, बस मैं बता रही हूँ कि मैं स्टोर पर जाके नहीं मैंने लिया, और कोई डिस्काउंट पर नहीं था, एग्जैक्ट प्राइस पर था, अभी ज़ारा पर कोई सेल भी नहीं रखी है। फिर आ गई लड़की, इससे मैं बचाती रहती हूँ और ये चीज़ें तोड़ती रहती है, इसको स्टूडियो खुला दिखा नहीं और ये भाग के आ जाती है, इसको इतनी सारी चीज़ें दिखती है ना, मतलब हर कोने में कुछ ना कुछ तो दिखा देता है और इसे बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज साइमा कहीं जाने वाली हैं, कहाँ, तो साइमा को एक इन्वाइट आया है ब्लर इंडिया और चीडो, एंड मतलब ये काइंड ऑफ यू नो इवेंट है जहाँ पे मीटअप है, तो मेरे को इनवाइट किया गया था, मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट ट्राई करें, क्योंकि इसमें सबसे खास बात है कि मैं आप लोगों से इंट्रैक्शन कर सकती हूँ। मैंने इनवाइट के लिए बता दिया था कि इट्स लाइक अ मीट एंड ग्रीट और आप आ सकते हो, हम लोग बातें कर सकते हैं, मस्ती, फन, बहुत सारी चीज़ें, पार्टी एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, तो आज जाना है मुझे 4 बजे, अभी 12 भी नहीं बजे, तो मैं फ्रेश होने जा रही थी। वैसे मैंने हेड वॉश परसों ही शाम को किया था, बट मुझे लगता है मुझे दोबारा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरा हेयर स्टाइल नहीं हो पाएगा, गर्मी बहुत है। तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, एंड आई एम एक्साइटेड कि देखो आज कौन कौन मिलता है, किससे किससे मुलाकात होती है। मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो पहले मैं हेयर स्टाइल कराऊँगी, फिर मैं आउटफिट एंड देन मेकअप पर मूव करूँगी। बहुत नॉर्मल सा मैंने आउटफिट फाइनली डिसाइड कर लिया कि अपना जंप सूट पहन रही हूँ, बहुत साल पुराना वाला है, मेरा बहुत फेवरेट था, बट मैं अब थोड़ा सा मैं फिट हो गई हूँ, थोड़ा सा मतलब समझ जाओ थोड़ा सा फिट हो गई हूँ। सो आई एम रेडी एंड आई एम लेट टू, क्योंकि मेरा ना यहाँ का आउटफिट का जिप थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर मम्मी ने उसको हाफ एन आवर लगा जैसे तैसे एडजस्ट किया, और इसके बाद अब मैं निकल रही हूँ, लाइट्स ऑफ। सो विद इन हाफ एन आवर के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे, बहुत दूर नहीं है यहाँ से सीपी, एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि अगर मेरा आउटफिट ठीक नहीं होता तो मैंने मेकअप भी उससे यू नो इंस्पायर्ड होके किया था मस्टर्ड येलो में, और मेरा हेयर स्टाइल भी, ज्वेलरी तक मैंने निकाल ली थी, हील्स तक निकाली थी, सारी चीज़ें फिर दोबारा करने में मेरे को पता कितनी मौत सी आती, तो अच्छा है वो चेंज जैसे तैसे फिक्स हो गई है। गाइज आई एम सो एक्साइटेड कि आज बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात होगी, चलिए देखते हैं आप इसे कौन कौन वहाँ आ पाता है, सबके लिए पॉसिबल नहीं, आई नो, बट स्टिल जितने लोग भी आएंगे। सो वी आर एट आउटसाइड चीडो, हम पहुँच चुके हैं चीडो के बाहर, है गाड़ी पार्क कर ली, पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है हमेशा से सीपी में, मीटअप है तो शिल्पीज है लोग, श्रेया, हिमांशी, यू, ऐश्वर्या, तो हमें 4 और ही हमारे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, सबको हमें यहाँ पे मिल चुके हैं गाइस, थैंक्स टू ब्लर इंडिया कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, मिलने का मौका दिया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, पीछे वैसे ही बहुत बैकग्राउंड नॉइज है तो मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगी। क्यों ना कोई अच्छा सा डिनर करा दिया जाए, तो हम इस टाइम पे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, हम कहाँ पर हैं अभी, हम गार्गी कॉलेज के सामने डिगिंग जा रहे हैं, अरे जो लड़की गार्गी में पढ़ती होगी खुश हो जाएगी, डिगिंग डिगिंग यस डिगिंग डिगिंग कैफे जा रहे हैं, सोचा कुछ अच्छा सा डिनर कर ले। A few
few moments later. Aisha, brum brum. Aisha, bike, brum brum. अच्छा लुक देगी मुझको तू मुझको लुक देगी सो वो चाहिए मेरे पूरे ट्रेल है गाइस आगे भागी 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 छोटी बेबी के पीछे कोई भाग लाए ना रे यार जगह जगह चीजें शरारतें तो मैं से ढूंढती कहां से हो भाई चलो आगे चलो चेंज करें आ जाओ कप्पी 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 भागोगे मैं लगाएंगे देखो बर्थडे पे रुक तो भाग ली उसे पता एक्सपेरिमेंट हो रहा है बेटा वेट आई नो मामा भाई रुक जा कैस्पर थम जा इधर 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 से पहले से पता चले ये पेस्टिंग होती है क्या हाँ वाह नो व्हाट इज दिस बी ओह शिट अच्छा पीछे कर लो आपके बाल आपको पसंद नहीं आ रहे तो कोई गम यार क्या लग रही वो घबरा रही है यार मैंने बालों में से जब एक्सटेंशन निकाला ना भाई गदर मेरे बाल टूटे मायशा की बर्थडे का वेन्यू डिसाइड हो गया मेन्यू भी डिसाइड हो गया कि क्या होने वाला है मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है अभी भी मतलब पूरे दिन स्टे किया इतनी ह्यूमिड के बाद बाय द वे मैंने जो बेस प्रोडक्ट यूज़ किए थे उसमें शार्लेट टिल्बरी की क्रीम थी मॉइस्चराइजिंग क्रीम शार्लेट का फाउंडेशन लॉरियल का कंसीलर एंड मेबलिन का लूज पाउडर मैं बता दूँ काफ़ी अच्छा बेस रहा मेरा ओवरऑल तो यार गाइस ये हो गया हमारा दिन ख़त्म बहुत अच्छी शाम थी बहुत अच्छा दिन था बहुत सारे लोगों से मिली मैं और अपने अंदर को थोड़ा सा खोलने की कोशिश आई मीन मतलब थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो जाती हूँ आई डोंट नो मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट फील करती हूँ समटाइम मेरे को थोड़ी सी पैकिंग करनी है क्योंकि मुझे मम्मी के घर जाना चीज़ें करनी सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग बाय बाय टेक केयर आई लव यू